इस बीच अपने रिश्तों में आई खटास को मिटाने के लिए बाइडेन सऊदी अरब पहुंच गए। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ये उनका पहला सऊदी अरब का दौरा है जहां वो किंग सलमान और क्राउन प्रिंस से मिलेंगे। ऐसे में दुनिया भर के विशेषज्ञों की नजर इस बात पर है कि जो क्राउन प्रिंस और बाइडेन एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, क्या उनकी मुलाकात उनके देशों के रिश्तों में पड़ी बर्फ पिघला पाएगी? क्योंकि 80 साल पहले जब अमेरिका और सऊदी अरब ने एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाया था, तब से अब तक दुनिया, वक्त और हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दिक्कत यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब की जरूरतें अलग अलग हैं और दुनिया के मुद्दों पर उनकी राय भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। ऐसे बेमेल रिश्ते में किस तरह जान फूंकी जाए, ये तो अमेरिका और सऊदी अरब के अधिकारियों के भी समझ से परे है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आई थी करीब 4 साल पहले, जब सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगजी की तुर्की में हत्या हुई थी। खशोगजी की हत्या का आरोप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर लगता है। इसी वजह से बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कसम खाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें अमेरिका की मजबूरी समझ आ गई। अमेरिका के लिए सऊदी अरब से अपने रिश्ते सुधारना उसकी कोई इच्छा नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि उनके रिश्तों में पड़ी दरार से अमेरिका का दुश्मन चीन जमकर मलाई खाने में लगा और मौके का फायदा उठाकर चीन ने सऊदी अरब में ऐसे पैर पसारे हैं कि अगर अमेरिका अब भी नहीं संभला तो सऊदी अरब पूरी तरह चीन के खेमे में चला जाएगा। अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से निकलकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपना ध्यान लगा रहा है। वहीं चीन अमेरिका की जगह लेने के लिए सऊदी अरब में अपनी जड़ें फैला रहा है। चीन ने न सिर्फ सऊदी अरब से अपना व्यापार बढ़ाया है बल्कि बीते कुछ वक्त में उसकी सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई में भी जबरदस्त उछाल आया है। इस उछाल की सबसे अहम वजह है चीन के हथियार बंद ड्रोन की सप्लाई। सऊदी अरब चीन से हथियार बंद ड्रोन खरीद रहा है और इसके लिए भी खुद अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब को ड्रोन बेचे नहीं, इसलिए सऊदी अरब ने चीन से डील कर ली। और सऊदी अरब की इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत हथियार ही है, क्योंकि पड़ोस में उसका दुश्मन ईरान धड़ल्ले से हथियार बनाने में लगा है, बल्कि ईरान पर तो चोरी छिपे परमाणु हथियार तक बनाने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में सऊदी अरब की हथियारों की जरूरत जो भी देश पूरा कर देगा वो उसकी टीम में शामिल हो जाएगा, और इस वक्त चीन सऊदी अरब का मददगार बनता दिख रहा है। हालांकि अब भी सऊदी अरब का हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका ही है, लेकिन इस लाइन में चीन की एंट्री अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है ही, और फिर तेल का खेल भी यहां बेहद अहम है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार है। सऊदी अरब के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का करीब 1/4 अकेला चीन खरीदता है। ऐसे में अगर चीन सऊदी अरब का हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और कल को अमेरिका और चीन में जंग छिड़ गई तो हो सकता है चीन सऊदी अरब पर दबाव बनाकर उसके यहाँ से अमेरिका और यूरोप को तेल एक्सपोर्ट ही बंद करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका पर सबसे बड़ा वार होगा।